हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मेश्वर वर्मा, लक्ष्य एकेडमी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि इससे पहले एक आइडियो हमने आपको दिया था, जिसमें बताया गया था कि यूपी टेट के लिए स्पेशल कक्षाएं चलाई जाएंगी, तो उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए सिलेबस लेकर के आए हैं। क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आज बात हम लोग इस पर करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए आइए अपना सिलेबस देखते हैं। यूपी टेट प्राइमरी लेवल में पहला, इसमें सबसे पहले 5 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन हमारा होगा बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम। दूसरा पोर्शन होगा प्रथम भाषा। प्रथम भाषा में सबके लिए कंपलसरी होगा हिंदी, सबके लिए अनिवार्य होगी हिंदी। और द्वितीय भाषा में आपकी द्वितीय भाषा, कुछ भाषा ऑप्शनल होंगी, जैसे अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू। तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चयन करना होगा। और चौथा भाग होगा आपका गणित का। पांचवा भाग होगा पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन होगा, इसमें सब में प्रश्नों की संख्या देखते हैं। पहले पोर्शन बाल विकास में 30 प्रश्न होंगे, तथा दूसरे प्रथम भाषा में हिंदी, जो कि कंपलसरी है सबके लिए, उसमें भी 30 प्रश्न होंगे, और द्वितीय भाषा में भी 30 प्रश्न होंगे। गणित यानी कि आपका ये चौथा पोर्शन है, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे, और पांचवें पोर्शन पर्यावरण में भी 30 क्वेश्चन होंगे। अब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, इसलिए बाल विकास आपका 30 नंबर का आएगा। इसी प्रकार हिंदी अब कह सकते हैं प्रथम भाषा के रूप में 30 नंबर की आएगी। इसके बाद द्वितीय भाषा, जो कि संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से किसी एक का जो भी चयन किया होगा, उससे 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में गणित से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला करके 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर के होंगे। समय क्या होगा, 2 घंटे 30 मिनट, मतलब कितना, 150 मिनट। कहने का मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन 1 मिनट समय होगा, और 5 भागों में पूरा प्रश्न पत्र बटा हुआ होगा। अब इन 5 भाषाओं में, सॉरी, इन 5 भागों में जो आपका सिलेबस होगा, वो किस आधार पे 5 भागों को डिवाइड किया गया है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। जैसे बाल विकास में पहला खंड होगा बाल विकास, दूसरा खंड होगा सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, और तीसरा खंड होगा शिक्षण एवं विधायें। विधायें के अंतर्गत जो हमारी शिक्षण पद्धतियां हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा होगा। इसके बाद समास बेसी शिक्षा, जो कि लगभग सारा सिलेबस हमारे डीएलएड में है इस समय, तो ये समावेशी शिक्षा होगी। फिर अधिगम एवं अध्यापन से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रथम भाषा में क्या होगा, जो कि हिंदी अनिवार्य रूप से है। इसमें सबसे पहला भाग है आपठित अनुच्छेद, दूसरा भाग है व्याकरण, और तीसरा भाग है भाषा का विकास एवं अध्यापन। मतलब इसके बाद देखते हैं द्वितीय भाषा में, सेम द्वितीय भाषा में भी रहेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसके क्वेश्चन के लेवल थोड़ा ऊपर होंगे और इसके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि आपने इसको द्वितीय के रूप में चुना हुआ है। इसके बाद गणित, गणित में अंक गणित, बीज गणित और कुछ भाग रेखा गणित के होंगे। इसके बाद में पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन में परिवार, स्वास्थ्य, भोजन, जल, खेल, संचार, यातायात, सूक्ष्म अवलोकन, भारत यानी कि भारत का, समग्र भारत का एक सूक्ष्म अवलोकन। इसके बाद हमारा, जिसे कहते हैं यूपी स्पेशल, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे।
इसके बाद दिवस पूछे जाएंगे और विविध भी होगा। इसके बाद अध्यापन संबंधित मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे। इस तरीके से ये हमारा हो गया। आगे जो है बाल विकास, सीखने का अर्थ, सिद्धांत, शिक्षण एवं विधा। अब इसके अंतर्गत कितने चैप्टर आने वाले हैं हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत हमने जैसा कि बोर्ड पे लिख दिया है, तो बाल विकास में कुछ हेडिंगें बताई थी, उसके अंतर्गत देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो बाल विकास में सबसे पहले बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता का विकास। इसके बाद में दूसरी हेडिंग है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। इसमें बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम पढ़ना है, वातावरण पढ़ना है। इसके बाद वंशानुक्रम वातावरण के अंतर्गत जैसे क्या वातावरण है, पारिवारिक, इसके बाद सामाजिक, विद्यालयी, संचार का माध्यम। इसके बाद तीसरी हेडिंग है, तीसरा नंबर है हम लोगों का सीखने का अर्थ तथा प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। सीखने का अर्थ तथा प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। इसके बाद अधिगम के नियम में, इसके बाद हमें अधिगम के नियम को पढ़ना है, जिसमें मुख्य रूप से थारंडाइक के सीखने का मुख्य नियम एवं अधिगम में उसका क्या महत्व है। इसके बाद अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, मतलब अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और कक्षा शिक्षण में इसके प्रमुख व्यवहारिक उपयोगिता क्या क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। थारंडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, जिसमें क्रिया प्रसूतन अनुबंधन का सिद्धांत है, और बहुत सारे सिद्धांत हैं स्किनर के, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, पढ़ना है, क्योंकि पूछा जाएगा। इसके बाद में कोहलर का सूज का सिद्धांत है, प्याजे का सिद्धांत है, वायत गोस्की का सिद्धांत है। इसके बाद वायत गोस्की में सीखने का पठार, वक्र, इन सब को पढ़ना है। इसके बाद हमारे शिक्षण एवं शिक्षा विधाएं हैं, मतलब कैसे शिक्षण होता था पहले, अब और कैसी शिक्षण विधाएं हैं, उसके अंतर्गत कुछ पढ़ना हम लोगों को। तो शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, सूत्र, विधियां, नवीनतम विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसके बाद पांचवा नंबर है समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, शैक्षिक समावेशन के अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा इत्यादि। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, TLM एवं अभिवृत्तियां, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। फिर समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। इसके बाद आगे आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। समावेशित बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। इसके बाद में कुछ जो है हमारे मतलब मनोविज्ञान में कुछ शालाएं हैं, प्रयोगशालाएं हैं। इसके बाद उसके
शिक्षा के जगत में किस तरह से कार्य करता है उसकी पूरी संरचना के बारे में हमें थोड़ा जानना है। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान शाला जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? इलाहाबाद में, मतलब नए प्रयागराज में, ठीक है। इसके बाद मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो कि मंडल स्तर पर होता है, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षित डायट, इसके बाद पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई जाती हैं, इसके बाद बाल विकास अधिगम एवं निर्देशन के परामर्श का महत्व, और आगे हम लोग देखते हैं। अभी इसमें एक टॉपिक बाल विकास के बाद दूसरे हेडिंग है अधिगम एवं अध्यापन, अधिगम एवं अध्यापन। इसके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं जिन पर अमल करते हुए हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, एक दो या चार या पांच, मतलब कुल मिला के पाँच क्वेश्चन से अधिक यहाँ से नहीं आता है, लेकिन पांच क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो इसमें जो है बाल विकास के बाद शिक्षण अधिगम एवं अध्यापन, बालक किस प्रकार से सोचते हैं एवं सीखते हैं, पहला बिंदु है। इसके बाद दूसरा बिंदु है बालक विद्यालय प्रदर्शन में किस प्रकार सफलता प्राप्त करता है और क्यों असफल हो जाता है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों के अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ में एक समस्या समाधान करता यौम एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदना, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। इस प्रकार से बाल विकास में इतना ही हमको पढ़ना है। इसके बाद दूसरे में इसके दूसरा हमारा है भाषा। भाषा के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय है। प्रथम में आपका अनिवार्य रहेगा हिंदी, और द्वितीय में जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कि द्वितीय में संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में से किसी एक का चयन करना होगा। अब पहले हम लोग देखते हैं हिंदी के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी में सबसे पहला है आपठित अनुच्छेद। आपठित अनुच्छेद में गद्य और पद्य दो विधाएं होती हैं, दोनों में से एक एक पैसेज और जो है आएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने होंगे इस तरीके से। इसके बाद हिंदी वर्णमाला है, वाक्य की रचना है, वाक विराम चिन्ह है, विलोम, समानार्थी, तुकारान, ये इस प्रकार के शब्द हैं जिनको मतलब हमें याद करना है या पढ़ना है। इसके बाद ध्वनियों, समान ध्वनियों वाले शब्द, जैसे कि ऐसे शब्द जिनकी ध्वनियां समान होती हैं उन शब्दों को पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के भेद और क्या क्या होते हैं इनको पढ़ना है। इसके बाद वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज सब, इन सब को पढ़ना है। लोकोक्तियां, मुहावरे और उसके अर्थ। इसके बाद संधि विच्छेद, जैसे स्वर संधि और क्या है व्यंजन संधि, इन सब के भेद पढ़ना है, भेद। इसके बाद वाच्य पढ़ना है, समास पढ़ना है, अलंकार है। इसके बाद में लास्ट में कवि हैं और उनके लेखक, कवि और जो गद्य है उन विधाओं के रचनाएं, मतलब किसने कौन सी रचना या कौन सा गद्य कौन से व्यक्ति लिखे हैं इस संबंधित होगा। इसके बाद भाषा विकास है, भाषा विकास का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत अधिगम, अर्जन, भाषा अध्ययन संबंधित जो सिद्धांत हैं, सुनने और बोलने संबंधित जो हैं, इसके बाद
मौखिक लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए इन सब का अध्ययन करना है जो कि इधर के पोर्शन हैं। इसके बाद में शिक्षण अधिगम है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमारे ज़्यादा क्वेश्चन इन सब से आते हैं। तो इन सब को मद्देनजर देखते हुए हम सबसे ज़्यादा मेहनत इस पर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर हम मेहनत नहीं करेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का क्षेत्र है वो क्षेत्र इधर ही है। और इसी प्रकार से द्वितीयक भाषा में जैसे संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू है, उसमें भी अगर आप संस्कृत लेते हैं तो उसकी जो है उसमें आपठित भी आए, आपठित आएगा, आपठित अनुच्छेद आएगा, संस्कृत की वर्णमाला आएगी, वैसे इंग्लिश की वर्णमाला आएगी, इसके बाद उसमें भी जो जो हैं विलोम शब्द ऐसे करके जो होते हैं, मतलब सेम ही है द्वितीयक भाषा आपकी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रथम भाषा हम देख लेते हैं तो द्वितीयक भाषा बड़े ही आराम के साथ पढ़ा जा सकता है। आइए देखते हैं मैथ। इसमें गणित में हम लोग संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके बाद लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके बाद दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, एकिक नियम, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज। इसमें सिलेबस में आपके साधारण ब्याज दिया है, लेकिन हम देखते हैं कभी कभी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से भी पूछ लेता है, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ज्यामितीय आकृतियाँ, इसके बाद धन, धन में रुपया पैसा मतलब रुपये पैसे को जोड़ना, इसके बाद मापन, इसके बाद परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े संबंधित, आयतन, आयतन में 3D के थोड़े पोर्शन हैं जैसे घन, घनाभ, शंकु तक समझ लीजिए आप लोग, इसके बाद क्षेत्रफल, इसके बाद रेलवे, बस, समय सारणी, रेलवे और बस के जो समय सारणी है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाद आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण में 1-2 क्वेश्चन आपका बनता है, इसके बाद अध्यापन संबंधित मुद्दे में भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से गणित के 30 क्वेश्चनों को इन्हीं चैप्टर्स में से आपके पूछे जाने हैं। इसके बाद हमारा पर्यावरण का पोर्शन आता है, पर्यावरण के पोर्शन में परिवार है, परिवार में भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, फिर हमारा परिवेश, इसके बाद मेला, खास तौर से मेला यूपी स्पेशल के लिए है, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेला किन किन नगरों में लगता है, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, इसके बाद कुछ भारत में भी, पूरे भारत के भी पूछ लिए जाते हैं। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति जो चर्चित हों उन व्यक्तियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जल प्रदूषण, इसके बाद कौन सी नदी कहाँ पर पाई जाती है, मीठे पानी का जल, खारे पानी का जल, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। यातायात एवं संचार के क्वेश्चन आते हैं, खेल जगत से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेल भावना संबंधित क्वेश्चन, इसके बाद भारत का एक जो है सूक्ष्म अवलोकन संबंधित प्रश्न यहाँ से आते हैं, जैसे भारत में कौन सा पठार, नदी, पर्वत, वन, यातायात, द्वीप, इस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद सागर एवं महासागर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद में भूगोल से संबंधित हमारे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सांस्कृतिक रूप से पूछा जा सकता है या फिर भौगोलिक रूप से पूछा जा सकता है। इसके बाद संविधान में मुख्य रूप से शिक्षा जगत से संबंधित किस अनुच्छेद में क्या कहाँ पर है, और इसके बाद में कुछ ग्राम पंचायत, नगर, जिला, नगर निगम, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों का जो है पूरा सिलेबस इतना कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम मैथ सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं,
इसके बाद दूसरा वीडियो हम लोग चाहेंगे कि पर्यावरण का मिले, इसके बाद धीरे धीरे करके सारे वीडियो आपको मिलते जाएंगे। और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।